यहाँ मिलेगा फ्रीडम आपको। जो ऑफर क्यों कितना इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो जो लेटेस्ट ऑफर है, बहुत ही एक बेहतरीन ऑफर है, जो हम लोग बोल सकते थे फर्स्ट इन दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन दिस जो लॉन्ग टर्म प्लान है, इस तरह का फर्स्ट ऑफर। क्योंकि फेस्टिस ने जो भी काम करता है एक अनोखा काम करता है, जो इंडस्ट्री में फर्स्ट होता है, जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। तो ऐसा एक ऑफर ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, और शायद आप लोग काफी लोगों को उसका थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिला है। तो आज उसका ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जितना हो सके उसको हम लोग क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑफर को सही तरह से जानना है, उसका बेनिफिट का बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी इसका सही इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर सकेंगे। तो आज का टॉपिक हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफर। ऑफर का इम्पोर्टेंस क्या है इसको पहले जानना जरूरी है। सेकेंड हो गया हाउ टू टेक बेनिफिट, इसका हम लोग फायदा कैसे ले सकते हैं, इसका कैसे हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, किसके लिए बेनिफिट है, एज ए कंज्यूमर एज वेल एज हम लोग को बिजनेस को बड़ा करने के लिए, हम लोग को इनकम बढ़ाने के लिए इसका बेनिफिट हम लोग कैसे ले सके, इसका ऊपर हम लोग आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और ऑलरेडी जैसे प्रशांत सर ने बोला है, जैसे हम लोग का निर्माणा का फाउंडर हम लोग का ग्रेट मेंटर तरुण सर ने ऑलरेडी एक बेहतरीन पेन बनाया था, एक डिजाइन किया है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करके हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। उसी हिसाब से इस महीने से कंपनी का भी ऑफर आया जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रो योर नेटवर्क ऑफर या स्पिल इनकम, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली। पर पहले हम लोग पहले से थोड़ा समझते हैं डिफरेंट ऑफर्स इस महीने में क्या है, या आगे से भी क्या रेगुलर चल रहा है, और इस ऑफर को क्यों हम लोग सही तरह से समझना बहुत जरूरी है, इसका बेनिफिट। तो ऑलरेडी हम लोग ने देखा है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफर एंड हाउ टू टेक बेनिफिट। कोई भी चीज कोई भी एक प्रोजेक्ट हो, कोई भी एक मैटर हो, कोई भी एक सब्जेक्ट हो, या ये ऑफर हो, पहले इस कोई भी चीज का इम्पोर्टेंस, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या, किस लिए ये ऑफर लाया है, इससे मेरा क्या होगा, क्यों इसको मेरे को सीरियसली लेना है, हर चीज में क्यों बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंस समझना बहुत जरूरी। और उसका बाद ऑटोमेटिकली हम लोग को उसका ऊपर हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, तो कैसे इसका फायदा हम लोग ले सकते। देखिए, कोई भी चीज का अगर इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, ऑटोमेटिकली हम लोग का मन नहीं आएगा, या हम लोग का इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा उसको यूटिलाइज करने के लिए। ये नॉर्मल हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी। और अब तक भी काफी लोगों को शायद ऐसा होता है, जो ऑफर तो रेगुलर आ रहा है, लास्ट महीने भी था, इसका कुछ महीना पहले से काफी ऑफर या सालों से ऑफर चल रहा है, इसमें बड़ी बात क्या है, पर शायद हम लोग इसको क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका ये ऑफर देने का मकसद कंपनी का क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग कोशिश नहीं किया। और जिसके लिए शायद इसको जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए था हम लोग नहीं दिया है, और इसका बेनिफिट हम लोग ले नहीं पाए, और इस वजह से हो सकता है कभी कभी हम लोग ऑफर का बेनिफिट लेते हैं, कभी ऑफर मिस कर देते हैं, या इस ऑफर को शायद कभी टीम में प्रॉपरली सर्कुलेट भी हम लोग नहीं करते, क्योंकि खुद ही शायद इसका इम्पोर्टेंस हम लोग नहीं समझा, या इसका बेनिफिट का बारे में हम लोग नहीं सोचा। तो इसलिए हम लोग यहाँ थोड़ा समझेंगे, जे ये हम लोग का जो फेस्टिस बिजनेस है, इसमें ये ऑफर का महत्व क्या है, इसका कैसे हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, आवर फेस्टिस बिजनेस इज ऑल्सो ए प्योर बिजनेस लाइक एनी अदर बिजनेस एंड प्रोफेशन है, जो हम लोग वी आर ऑलरेडी यहाँ अब तक जैसे 26 पीपल इंक्लूडिंग मी, अभी 26 पार्टिसिपेंट्स है, और मैं ये आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग यहाँ एज ए बिजनेस का हिसाब से जुड़ा हुआ है। और बिजनेस का हिसाब से अगर जुड़ा हुआ है, तो ये हम लोग को ये समझना होगा, जे फेस्टिस भी, ये जो हम लोग फेस्टिस कह रहे हैं, फेस्टिस में साथ जुड़ा है, ये भी एक्चुअली एक बिजनेस है, इसको भी अगर हम लोग हमको एज ए बिजनेस का हिसाब से, एक व्यवसाय का हिसाब से, एक प्रोफेशन का हिसाब से हम लोग को समझना होगा। ये सिंपल सा बात है, पर इस सिंपल बात को मैक्सिमम लोग नहीं समझते, ये जस्ट एक मैं जुड़ गया, जो कि एक प्रोडक्ट यूज किया हूँ, तो जैसे जैसे दो एक को मिला है उसको इसका साथ ज्वाइन किया, मतलब एक सिंपल सा एक मतलब अनऑर्गेनाइज्ड एक काम का जैसा हम लोग करते हैं, पर ये हमेशा ये सोचना होगा कि ये भी एक बड़ा बिजनेस है, और दूसरा बिजनेस में जैसे हम लोग को सीरियसली करना है, इस बिजनेस में भी उसी हिसाब से हम लोग को करना
होगा अगर हम लोग को बड़ा इनकम चाहिए। दूसरा दूसरा बिजनेस में दिया जो जो चीज का जरूरत है, यहाँ भी सब उसी चीज का जरूरत है। अगर यहाँ से मेरे को अच्छा इनकम करना है, यहाँ से मेरे को लॉन्ग टर्म इनकम करना है, यहाँ से मेरे मेरा यह अपना जो भविष्य का जो ड्रीम्स है, ये जो आशा है, ये जो रिक्वायरमेंट है, उसको फिलफिल करना, यहाँ भी मेरे को दूसरा बिजनेस या दूसरा प्रोफेशन या जॉब का जैसा, यहाँ भी मेरे को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो नहीं, हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, सिस्टम से करना पड़ेगा। यहाँ भी क्या चाहिए, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। यहाँ भी क्या करना होगा, यहाँ भी गोल या टारगेट लेना, यहाँ भी क्या करना होगा, यहाँ भी डेडिकेशन चाहिए, यहाँ भी पेशेंस चाहिए। जैसे हमेशा बिजनेस अपना चाहत का हिसाब से नहीं चलता, मार्केट का हिसाब से या काफी चैलेंज का वजह से अप डाउन रहता है, हम लोग का बिजनेस में भी वही है, उसको समझ के यहाँ भी पेशेंस बहुत जरूरी। कहने का मतलब ये है, शुरुआत से हमको ये माइंड में रखना है कि अगर यहाँ बड़ा इनकम करना है, इसको मैं बिजनेस का हिसाब से ट्रीट करना होगा, या खुद को हम लोग एज ए बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन का हिसाब से सोचना होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो शुरुआत में हमको समझना है। इट इज ए लॉन्ग टर्म बिजनेस और लाइफ टाइम करियर। अगर इसको बिजनेस का हिसाब से अगर समझो, ये एक छोटा मोटा बिजनेस या ये एक शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं, ये भी एक लॉन्ग टर्म बिजनेस और लाइफ टाइम करियर का हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, या ऑलरेडी काफी लोगों ने कर रहा है, या इसे एक अपॉर्चुनिटी है। नो डाउट ये हम लोग को समझना है, जो फेस्टिस में जितना लोग जुड़ा हुआ है, सभी को जो बिजनेस का हिसाब से जुड़ा है ऐसा नहीं, काफी लोग एज ए कंज्यूमर भी है, मतलब जुड़ के जो होलसेल का बेनिफिट ले रहे हैं। होलसेल का बेनिफिट आप लोग को समझ में आया है, जैसे हम लोग होलसेल में परचेस करते हैं, होलसेल में परचेस करने से क्या मिलता है, एक अभी डिस्काउंट मिलता है, थोड़ा बहुत ऑफर मिलता है, काफी लोग एज ए कंज्यूमर का हिसाब से भी यहाँ जुड़ा हुआ है। उन लोग का बिजनेस का हिसाब से इसको लिया नहीं, या इससे क्या इनकम आएगा, या इसको किस हिसाब से हम लोग करेंगे, उसका ऊपर उन लोग को तो ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको एज ए कंज्यूमर के हिसाब से वो लोग कर रहा है, उसमें हम लोग को ज्यादा टेंशन लेने का बात। पर अगर हम लोग को यहाँ से इनकम करना है, यहाँ से लॉन्ग टर्म इनकम करना है, तो बिजनेस का हिसाब से लेना होगा। और अगर सही तरह से अगर बिजनेस का हिसाब से लेंगे, ये हम लोग के लिए क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस का ये क्या करेगा, काम करेंगे, मतलब ये हम लोग का ऐसा नहीं है जो शॉर्ट टर्म बिजनेस इसको लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा, ये ग्रेजुअली डेवलप करेगा, पर ये लाइफ लॉन्ग करियर का हिसाब से हम लोग को इनकम देगा। इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी। अभी नेक्स्ट हो गया, इफ वी वांट मैक्सिमम बेनिफिट एंड अर्न बिग इनकम फ्रॉम फेस्टिस बिजनेस एंड फुलफिल अवर ड्रीम्स, देन वी हैव टू टेक इट सीरियसली। तो अगर यहाँ से हम लोग को मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, और हम लोग का जो लाइफ का जो हम लोग का आशाए है या ड्रीम्स है वो फुलफिल करना है, फैमिली का जो आशा है फुलफिल करना है, एक अच्छा इनकम करना है, अच्छा एक एक हम लोग का घर गाड़ी बाड़ी लेना है, तो इसको क्या करना होगा, सीरियसली करना होगा, फोकस्ड होके करना होगा, बिजनेस का हिसाब से हम लोग को लेना। जस्ट लाइक एवरी अदर बिजनेस, सेटिंग्स टारगेट एंड गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फेस्टिस बिजनेस ऑल्सो एज वेल एज टू अर्न बिग इनकम। देखिए कोई भी बिजनेस हो, वहाँ भी हम लोग को अपना अपना एक गोल टारगेट रहता है, और उस हिसाब से अगर यहाँ भी अगर हम लोग फेस्टिस को भी बिजनेस से भी अगर हम लोग को बड़ा इनकम करना है, तो क्या करना होगा, यहाँ भी हम लोग को अपना अपना गोल या टारगेट लेना होगा, और जिसका ऊपर ऑलरेडी हम लोग को एक तरीके को हम लोग का ग्रेट मेंटर तरुण कुमार महेश सर ने बढ़िया से हम लोग को समझाया है कि गोल टारगेट कैसे लेना है। पर्पस हम लोग को अगर क्लियर होगा, उस हिसाब से गोल होगा, प्लानिंग करेंगे, और उस हिसाब से एक्शन लेने से ऑटोमेटिकली हम लोग का रिजल्ट आएगा। ये इसका ऊपर ऑलरेडी हम लोग का एक बढ़िया से डिस्कशन हुआ है, और उस हिसाब से हम लोग को काम करना है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, जो हम लोग का इस बिजनेस में गोल्स या टारगेट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन कंपेरिजन टू अदर प्रोफेशन और बिजनेस, क्योंकि हम लोग का ये बिजनेस हो गया इंडिपेंडेंट बिजनेस। अभी अगर हम लोग कोई जॉब करे, सर्विस करे, नौकरी करे, वहाँ ऑटोमेटिकली अपना जो बॉस है वो हम लोग को गोल या टारगेट देगा, ये इस दिन को ये करना है, इस दिन को ये करना है, हमको शेड्यूल रहेगा, और उस हिसाब से काम करेंगे तो बराबर हम लोग को तनख्वाह मिलेगा, हम लोग को प्रमोशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है धीरे धीरे हम लोग को इंसेंटिव बंद हो जाएगा,
तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली वी आर बाउंड टू फॉलो आवर ऑफिसर्स और बॉसेस जो गोल या टारगेट। इन अदर बिजनेस ऑल्सो ऑटोमेटिकली हम लोग का जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली हम लोग को एक प्रेशर देता है जो अपना एक टारगेट सेट करते थे जे ऑलरेडी मेरे को फॉर एग्जाम्पल 15-20 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ तो डेली मेरे को दुकान खुलना ही होगा, 12-14 घंटा दुकान खुला रखना ही होगा, कस्टमर आए ना आए हैं, तो क्योंकि ऑलरेडी मेरा ह्यूज इन्वेस्ट है। पर हम लोग का बिजनेस में क्या है, यहाँ इट इज इंडिपेंडेंट बिजनेस, यहाँ हम लोग का कोई बॉस नहीं है, मालिक नहीं है, और यहाँ हम लोग का ऐसा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, तो इसमें इसलिए हम लोग को डायरेक्टली कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो हम लोग को एक सिस्टम में या एक रेगुलरली या एक एक डिफरेंट टारगेट में हम लोग को काम करना ही होगा, ऐसा कोई डायरेक्टली हम लोग का यहाँ कोई क्या नहीं है, टारगेट नहीं। पर ये टारगेट हम लोग को खुद को लेना होगा, ये प्रेशर हम लोग खुद का लेना होगा, और इसका ऊपर गोल सेटिंग हम लोग के लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट है अदर बिजनेस का कंपैरिजन में। अगर खुद टारगेट नहीं लेंगे, खुद गोल नहीं लेंगे, और ये टारगेट गोल थोड़ा ऊपर लेवल का नहीं लेंगे, तो हम लोग यहाँ कभी बड़ा इनकम कर ही नहीं सकेंगे, हम लोग डेवलप कर ही नहीं सकेंगे, या ज्यादा लंबे समय तक हम लोग यहाँ टिक ही नहीं पाए, इसको समझना बहुत जरूरी। ये गोल का बारे में, ये बिजनेस का बारे में इसलिए मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ शुरुआत में, क्योंकि ये सबका ऑफर का साथ एक रिलेशन है, क्योंकि मैं ऐसे इस चीज को रिपीट नहीं कर रहा हूँ जो ये क्यों बिजनेस है, ये गोल क्यों लिए जरूरी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक ऑफर्स, ऑफर का साथ भी ये जुड़ा हुआ है, इसको समझने के हम लोग को कोशिश करना होगा। ऑफर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बिजनेस एज वेल। ऑफर्स 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 आजकल कॉमन है, ऑफर्स हर जगह में हम लोग ऑफर्स देंगे, मॉल में जाएंगे वहां भी ऑफर्स, अभी ऑनलाइन में जाएंगे अमेजोन हो फ्लिपकार्ट हो वहां भी डिफरेंट ऑफर्स है, ऑफर्स आजकल एक कॉमन सा वर्ड है, कहीं भी ये हम लोग को ऑफर्स मिलता है, डिफरेंट मेला होता है वहां भी ऑफर्स, और हम लोग का बिजनेस में भी फेस्टिव में भी हम लोग का रेगुलर ऑफर, हम लोग का मंथ आफ्टर मंथ या ईयर आफ्टर ईयर हम लोग को रेगुलर ऑफर मिल रहा है, कुछ कुछ स्पेशल ऑफर मिल रहा है, या एक एक पर्टिकुलर समय में जैसे हम लोग का जब 90th anniversary हुआ था तो एक्स्ट्रा ऑफर आया था, 20th anniversary के लिए हम लोग का एक्स्ट्रा ऑफर आया है, और अभी जैसे न्यू फाइनेंशियल ईयर में और कुछ लाजवाब ऑफर आया है, ये टाइम टू टाइम ऑफर आता है, पर ये हम लोग को समझना है ऑफर इज प्लेज इम्पोर्टेंट रोल, ऑफर हम लोग को हम लोग के लिए एक हम लोग का बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंस वो रहता है, इसलिए इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग का बिजनेस दो तीन चीज से होता है। फर्स्ट हो गया अल्टीमेटली बिजनेस मीन्स क्या, प्रोडक्ट का मूवमेंट है, प्रोडक्ट का सेल होना होगा, प्रोडक्ट का बिक्री होना होगा, दुकान में जितना प्रोडक्ट बिक्री होगा, माल बिक्री होगा, उस हिसाब से इनकम आएगा, वही हो गया सिंपल भाषा में बिजनेस। अभी प्रोडक्ट का मूवमेंट कैसे हो सकता है, एक तो हो गया आपका सेल्फ कंजम्पशन से हो सकते हैं, मैं खुद के लिए घर के लिए मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, उससे भी प्रोडक्ट का मूवमेंट या सेल हो। सेकेंड हो गया मैं अपना खुद का 8-10-12 कस्टमर है, मैं रिटेलिंग करता हूँ, उससे भी बिजनेस हो सकता है, उसमें भी प्रोडक्ट मूवमेंट। एंड थर्ड हो गया अगर बड़ा बिजनेस करना है तो मैं धीरे धीरे टीम बना रहा हूँ, टीम में मेरे साथ लोग जुटे जा रहा है, उसका कुछ लोग खुद के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कुछ लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे वहाँ लीडर बन रहे हैं, और उससे भी बिजनेस बढ़ रहा है। मतलब इन हर चीज में ये देखा जाए तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का मूवमेंट होना होगा तभी बिजनेस बढ़ेगा, सिर्फ ज्वाइनिंग से बिजनेस नहीं होता है, ज्वाइनिंग के साथ प्रोडक्ट का मूवमेंट होना होगा तभी पीवी आएंगे, और तभी ऑटोमेटिकली हम लोग का लेवल बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और बोनस व चेक आएगा, इस चीज को हम लोग को समझना बहुत जरूरी। अभी ये हम लोग आते हैं जे जैसे बोला है ऑफर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बिजनेस, हम लोग एक बार एक ऑफर्स थोड़ा डिस्कस करेंगे, पर ऑफर को पहले कोई भी ऑफर हम लोग को ये समझना है व्हाट ऑफर्स मीन व्हाट। अगर हम लोग सही तरह से देखे तो ऑफर मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट। ऑफर का मतलब क्या है, ऑफर का मतलब ये है, ऑफर का मतलब हो गया एक्स्ट्रा बेनिफिट। जैसे अभी इस मंथ में जैसे एक ऑफर है जहां 1150 का अगर प्रोडक्ट लेंगे, जो रिपर्चेस ऑफर फॉर एग्जांपल, रिपर्चेस ऑफर में 1150 का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो 1 टी जेटा टी फ्री, 1150 रुपये का अगर प्रोडक्ट लेंगे रिपर्चेस में तो हम लोग को क्या फ्री मिलेगा, 1 टी जेटा टी हम लोग को फ्री में मिलेगा। अभी देखिए इसको समझने का कोशिश कीजिए, जे अभी अगर कोई
नॉर्मली एक व्यक्ति शायद वो 700-800 का प्रोडक्ट लेते हैं या 1000 का प्रोडक्ट लेते हैं। अगर 1000 का भी प्रोडक्ट लिया, 1000 का भी प्रोडक्ट लिया, तो उनको 1000 का ही सामान मिलेगा। ये सुनो, अगर वो 1000 रुपीज का प्रोडक्ट लेते हैं रिपर्स में, तो उनको सिर्फ 1000 रुपीज का ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो डिस्काउंट मिलेगा, वो अलग बात। पर अगर उस 1000 का साथ और 150 रुपया और ऐड करेगा, 150 रुपया का प्रोडक्ट लेगा, तो उनको क्या मिलेगा? वन जेटा टी उनको फ्री मिलेगा। मतलब क्या है, जस्ट 150 रुपया का कंपनी वो ज्यादा सामान लिया, तो उनको अनदर 100 रुपये का फायदा हो गया। तो इससे हम लोग को क्या मालूम होता है? इससे यही मालूम होता है, ऑफर्स मीन एक्स्ट्रा बेनिफिट, है कि नहीं? जो ऑफर से हम लोग को क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो इसको हम लोग को समझना है, और उस हिसाब से लोगों को समझना है जे ऑफर क्यों इम्पोर्टेंट है। सेकेंड हो गया ऑफर। ऑफर हम लोग को क्या देता है? ऑफर इटसेल्फ हम लोग को एक टारगेट का हिसाब से हम लोग को काम करता है। ऑफर क्या करता है? जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, गोल टारगेट लेना है। अगर ऑफर को भी हम लोग देखे, जे ऑफर भी हम लोग के लिए एक टारगेट का जैसा है। ये सुनो, आप लोग को समझ में आया है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑफर भी इनडायरेक्टली एक कैसा है, एक टारगेट का जैसा। कैसे टारगेट का जैसा है? जैसे ये इसलिए टारगेट का जैसा है क्योंकि नॉर्मली शायद एक व्यक्ति ऐसा हो सकते हैं, तो हम लोग का यहाँ ऐसा कोई बाइंडिंग्स नहीं है जो मैं इस डेट को ऑफर, इस डेट को प्रोडक्ट लेना ही होगा। फेस्टिज में ऐसा कोई बाइंडिंग्स नहीं है जो एवरी मंथ प्रोडक्ट लेना ही होगा। फेस्टिज में ऐसा कोई बाइंडिंग्स नहीं है जो इतना अमाउंट का प्रोडक्ट लेना ही। पर ऑफर क्या करता है, हम लोग को एक बाइंडिंग्स में आदत लेके आता है। जे मेरे को अगर रिपर्चेस का ऑफर लेना है, तो मैं 2 से 18 का 20 में लेना ही पड़ेगा। ये सुनो, और अगर मिनिमम ऑफर लेना है, तो मेरे को 1000 इस महीना में 1150 का लेना ही पड़ेगा। मीन्स अपने आप मेरे लिए क्या हो गया, एक टारगेट जैसा। उस हिसाब से जैसे हमका सीएनसी ऑफर, कॉन्सिस्टेंसी ऑफर, आप लोग को मालूम ही है, कॉन्सिस्टेंसी ऑफर का अगर बेनिफिट लेना होगा, तो मेरे को कब तक लेना होगा, कौन तारीख तक लेना होगा कंसिस्टेंट ऑफर क्या बेनिफिट के लिए, वो भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके, अभी उसका ऊपर डिस्कस करेंगे। सीएनसी का बेनिफिट लेने के लिए कौन तारीख तक लेना पड़ेगा, सीएनसी का बेनिफिट लेने के लिए कौन सा तारीख तक हमको लेना पड़ेगा, तो ये अप टू फ्रॉम 2nd to 14th। आसाम मैडम और किशन सिंह जी ने बोला है 2nd to 14th। मतलब यहाँ से हम लोग को समझने की कोशिश करना चाहिए। मीन्स वहां भी हम लोग का एक टारगेट जैसा हो गया। यस और नो? जे मेरे को 14 का अंडर लेना ही होगा, एंड मेरे को 14 का अंडर आइडर 100 PV का लेना होगा, या उससे कम अगर होगा 60 PV का लेना होगा, उससे नीचे लेने से भी हम लोग का नहीं होगा। तो थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते थे, ये भी इनडायरेक्टली हम लोग का एक क्या हो गया, एक टारगेट का जैसा हो गया। जे मेरे को 14 का अंडर 14 का अंडर मेरे को क्या करना है, 14 का अंडर मेरे को 100 PV करना, 14 का अंडर और मेरे को सीएनसी करना, या एवरी मंथ का 14 का अंडर मेरे को 4 महीना तक करना है, तो भी मेरे को 2500 का प्रोडक्ट। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है, जे ऑफर से हम लोग को एक टू हो गया, हम लोग को एक्स्ट्रा बेनिफिट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हो गया, ये भी इनडायरेक्टली हम लोग का एक टारगेट का जैसे हो। थर्ड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी हम लोग को समझना है। ये अगर हम लोग समझेंगे ऑफर का इम्पोर्टेंस, हम लोग समझेंगे और उसको ज्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। कोई भी ऑफर का जो हम का जो कंपनी या मैनेजमेंट हम लोग के लिए जो ऑफर लाते हैं, सबका एक मकसद होता है। मकसद मतलब क्या है, सबका एक कारण होता है, रीजन होता है, जे इस कारण से ये ऑफर दिया गया है। जो अभी भी जो हम लोग का गोयो नेटवर्क आया है, उसका पीछे भी एक बड़ा रीजन है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पर पहले हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग खुद ही समझिए, ये जो रिपर्चेज ऑफर, ये जो कंपनी हम लोग को एवरी मंथ देता है, इसका पीछे कंपनी का रीजन क्या है, कारण क्या है? जिस कारण को अगर समझेंगे, इसको हम लोगों को अच्छी तरह समझा, इसका पीछे क्या कारण है? कोई बोल सकते हैं? एनीथिंग, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, हैंड रेस करने से मैं अनम्यूट कर लूंगा। रिपर्चेज ऑफर, इसका पीछे भी क्या रीजन है कंपनी का? कोई भी ऑफर का पीछे कंपनी का रीजन होता है, कारण होता है, क्या कारण है? तो ठीक है, समय का वो नहीं करते हैं। तो इस ऑफर का जैसे है, रिपर्चेज ऑफर का मेन रीजन कंपनी का यही है, क्योंकि हम लोग का बिजनेस में क्या होगा, सिर्फ एक बार ज्वाइन के प्रोडक्ट लेने से नहीं होगा, रेगुलर कंजम्पशन बहुत जरूरी है। नहीं, एक व्यक्ति ने जुड़ा है, प्रोडक्ट एक बार यूज किया है, और अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगे, तो वो बार बार यूज करेंगे, क्योंकि हेल्थ का प्रोडक्ट रेगुलर हम लोग के लिए जरूरत है, और जो हम लोग का डे टू डे यूज का प्रोडक्ट, वो हम लोग का रेगुलर जरूरत। अगर वो रेगुलर यूज करे और उसमें ऑफर मिले, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट लेगा जे मैं इसको रीपर्चेस करूँ,
रेगुलर कंज्यूम करो। तो इसमें कंपनी का यही मकसद है जो ज्यादा से ज्यादा रीपर्चेस बढ़े और इसी प्रोडक्ट इस ऑफर को यूज करके हम खुद को भी और अपना टीम में भी रेगुलर कंजम्पशन हम लोग बढ़ा सकते हैं। जो आपको इस ऑफर को फायदा लेना है, जो आप तो 1200 रुपये का प्रोडक्ट ले रहे, थोड़ा ज्यादा 1700 लेने से आपको और ये आपको फेस वॉश या ये क्लीन फेस वॉश या फेस पैक आपको मिलेगा, तो थोड़ा और ज्यादा ले लीजिए। तो उस हिसाब से लोगों को क्या उनका लेने का लिमिट हम लोग तो बढ़ा सकते हैं। लिमिट बढ़ने से फायदा भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। तो रिपर्चेस ऑफर का ऑलरेडी आप लोग को मालूम है, तभी मैं ये थोड़ा क्लियर करता हूँ। जो इस महीना अप्रैल 2 से 18 तारीख तक यहाँ जो रिपर्चेस अलग अलग स्लैब में दिया गया है, काफी नया लोग है ये, उनको शायद पुराना लोगों को तो मालूम ही है, नया लोगों के लिए थोड़ा ये अच्छा होगा। थोड़ा मैं क्लियर करने से रिपर्चेस ऑफर को कैसे हम लोग इसको फायदा ले सकते। जैसे पहला ऑफर हो गया 1150 रुपया का, अगर मैं क्या करूँ रिपर्चेस करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 जेटा टी मेरे को फ्री मिलेगा। फ्री मिलेगा मतलब क्या है, उनके लिए कंपनी को बिलिंग होगा तो 1 रुपया ही देना है, मतलब फ्री हो गया, है ना। तो जेटा टी फ्री है, लगभग 100 रुपया मेरे को फ्री मिला, क्योंकि रिपर्चेस ऑफर में हम लोग को लगभग 10% का बेनिफिट होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, 10% का बेनिफिट हो। तो 1150 का प्रोडक्ट लिया तो 100 रुपए का हम लोग का बेनिफिट हो गया, ये हो गया रिपर्चेज ऑफर। उससे अगर थोड़ा ज्यादा है, 1700 रुपये का हो गया, तो हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, या फेस वॉश ले सकते हैं मिलेगा, या फेस पैक मिलेगा। उससे भी थोड़ा ज्यादा अगर 2050 रुपया का हो गया, तो हम लोग यहाँ से कोई भी एक चीज ऑफर में मिलेगा, जो हम लोग का एश्योर फेयरनेस क्रीम मिलेगा, या हम लोग को ओमेन डियो मिले, या उससे भी ज्यादा अगर हो गया, 4000 हो गया, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक स्पिरुलिना हम लोग को फ्री मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग चाहे तो एग्री का ऊपर भी हम लोग क्या ले सकते हैं, ऑफर ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते। तो ये हो गया रिपर्चेस ऑफर। और रिपर्चेस कब होता है, फर्स्ट हम लोग का ज्वाइनिंग कम्प्लीट होना होगा, 30 PV से कम्प्लीट होना होगा, और उसका बाद जो होगा वो रिपर्चेस है। ये शायद सब लोग को मालूम है, जिसका मालूम नहीं वो क्लियर कर लीजिएगा। पहले हम लोग का ज्वाइनिंग कंप्लीट होगा, आईडी तभी एक्टिवेट होता है जो आईडी में 30 PV होता है, और उसका बाद जितना होगा वो हम लोग का रिपर्चेस ऑफर में हम लोग का काउंट होगा। और कभी कभी अभी इस जो हम लोग का ऑफर है, हम लोग का खुद का हिसाब से भी इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट मतलब क्या है, जैसे मैं 4000 का प्रोडक्ट लिया या 4500 का प्रोडक्ट लिया, 4500 का प्रोडक्ट में मैं एक स्पिलर भी ले सकता हूँ, और अगर चाहे तो मैं 4 पैकेट में टी भी ले सकते। तो इसको उस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं, उस हिसाब से भी अपने का रिक्वायरमेंट का हिसाब से, सुविधा का हिसाब से हम लोग ले सकते। ऐसा नहीं जो 4000 का हो गया मेरे को स्पिलर लेना होगा, ऐसा नहीं है। जो 4000 या 4500 हो गया तो मैं उसका जगह में 3 या 4 पैकेट में टी ले सकता हूँ, टी भी ले सकता हूँ, जेटा टी भी ले सकता हूँ अपना अगर उसी से जरूरत। तो ये हो गया रिपर्चेज ऑफर, जो एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, जो 18 तक रहता है, जिसका बेनिफिट हम लोग सबको लेना चाहिए, क्योंकि जो अगर रेगुलर परचेस होगा तो भी बिजनेस बढ़ेगा। सेकेंड एंड जो ऑफर हो गया, फर्स्ट ज्वाइनिंग ऑफर, ये ज्वाइनिंग ऑफर बोला जाता है। ज्वाइनिंग ऑफर मीन्स की एक आदमी ने आईडी लिया है, KYC कंप्लीट किया है, और उसका बाद जो अगर उन्होंने आईडी मिनिमम होता है 30 PV, पर 30 PV नहीं करके दिए, अगर वो 3200 का प्रोडक्ट लेंगे तो उनको क्या मिलेगा, ओमेन डियो और हम लोग का ब्रेकफास्ट सेल, जो ब्रेकफास्ट ये दोनों का कोई भी एक हम लोग ले सकते। ये हो गया आप लोग को, ये हो गया ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग ऑफर कंपनी ने क्यों दिया, इसका भी हम लोग कैसे बेनिफिट फायदा ले सकते, इसका भी ऐसे ही फायदा ले सकते हैं। कोई भी ज्वाइनिंग करके वो बोल सकते हैं, मैं अभी मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मैं आईडी के साथ आपका साथ जुड़ा हूँ, और मेरे को ये 2500 का प्रोडक्ट ऑलरेडी ये एक नोनी राइस ब्रेन ऑयल ऐसे ऐसे मेरे को का प्रोडक्ट हो गया, ये मेरे को दीजिए, ये मेरा घर के लिए। तो तभी हम लोग उनको बोल सकते हैं, जे अभी आप 2500 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, पर उसका जगह में अगर आप और 700 का प्रोडक्ट ज्यादा लेंगे, मीन्स अगर 3200 प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आपको अनदर 300 का आपको या डीओ या ब्रेकफास्ट का आपको फ्री मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, अगर लगभग 300 रुपये का आपका फायदा होगा। तो उस हिसाब से हम लोग ज्वाइनिंग ऑफर को कंपनी का देने का मकसद यही है, और उस हिसाब से हम लोग ज्वाइनिंग ऑफर का भी फायदा ले सकते हैं या लेना चाहिए। ये होगा ज्वाइनिंग ऑफर।
देन नेक्स्ट हो गया हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफर है, वो हो गया कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी मींस की कंटिन्यूटी, लगातार। और कंसिस्टेंसी ऑफर ऑलरेडी मैक्सिमम लोगों को मालूम है, और जो नया लोग है उन लोग को भी ये इसको समझना बहुत जरूरी है, क्यों ये ऑफर हम लोग का बिजनेस के लिए एक बहुत ही बड़ा बड़ा एक वेपन है, अगर हम लोग को बड़ा बिजनेस, लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है। इसको समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो उससे पहले मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, यहाँ कितना लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी की कितना लोग कर रहे हैं, हम लोग के अपना अपना थम्स अप कर सकता है, ये डिजिटली या हार्ट भी दिखा सकते हैं, जितना लोग कंसिस्टेंसी कर रहा है। तो कुछ लोग कंसिस्टेंसी कर रहा है यह बहुत ही अच्छा है, और बाकी लोग भी जल्दी कंसिस्टेंसी ऑफर का बेनिफिट ले और इसको पहले समझ ले जे ये क्यों हम लोग के बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या ये देने का मकसद क्या है। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, यहाँ हम लोग का दो ऑफर है। एक हो गया जे 2 तारीख से 14 तारीख, 14 तारीख, 2 तारीख से 14 तारीख तक अगर 100 PV का हम लोग लेंगे, और 100 PV जैसे हम लोग का 1 PV इज इक्वल टू 30 रुपीज अप्रोक्सीमेट, तो 100 PV मतलब 3 से 4 हजार, 3.5 हजार का प्रोडक्ट। अगर दो से क्या होगा, 2 से 14 का बीच में लेंगे एक सिंगल इन्वेस्ट में, या सेपरेट सेपरेट मल्टीपल इन्वेस्ट में भी, तो क्या होगा, और इससे अगर 4 महीना कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग को 4 महीने के बाद में 2500 का प्रोडक्ट हम लोग को फ्री मिलेगा। ये हो गया कॉन्शियस ऑफर और वन। एंड सेकेंड ऑप्शन हो गया जिसको 100 PV का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, काफी लोग ऐसा हो रहा है जो मेरे को 3 साढ़े 3 हजार का प्रोडक्ट लेना थोड़ा मेरे लिए अभी इस सिचुएशन में मुश्किल है, तो उनके लिए कंपनी अनदर हमको चांस दिया है जे उसका जगह में अगर वो 60 PV का भी प्रोडक्ट लेगा, 60 PV मतलब क्या है, 18 से 2 हजार का जैसा होता है, तो अगर 4 महीना कंटिन्यू करेंगे तो 4 महीना का बाद उनको कितना होगा, 1250 रुपया का प्रोडक्ट मिलेगा। और वहाँ दो ऑप्शन है, उस दोनों ऑप्शन के बीच में कोई भी एक वो चूज कर सकता है या सकती है। ये हो गया दो टाइप का ऑफर, और उसका साथ साथ ये भी हम लोग को समझना है, ये दोनों ऑफर में सिंगल आईडी में हम लोग 4 ऑफर तक ले सकते हैं, मतलब एक आईडी में हम लोग 100 100 करके 400 PV तक कर सकते हैं, या 60 60 करके 400 तक कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हम लोग को समझना है कि ये ऑफर कंपनी ने क्यों दिया है, इस ऑफर देने का बिहाइंड कंपनी का रीजन क्या है, मकसद क्या है, तो ये हम लोग को समझना है। ये ऑफर क्यों, कंसिस्टेंसी मतलब एवरी मंथ अगर एक एक आदमी लेगा तो उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, है तो लोग ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एवरी मंथ कंटिन्यू करने के लिए इंटरेस्टेड होगा, और जब उस उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एवरी मंथ उसको कंटिन्यू करेंगे या कंसिस्टेंसी लेंगे। और ये हम लोग जैसे आप लोग को शायद मालूम है, जैसे हम लोग डिपोजिट करते हैं वहां भी दो तरह का डिपॉजिट होता है, एक हो गया रिकरिंग डिपॉजिट एंड एक हो गया वन टाइम डिपॉजिट। अभी वन टाइम डिपॉजिट जो है वो अभी हम लोग कभी कर भी सकते हैं और कभी नहीं भी कर सकते, ठीक है, मैं वन टाइम डिपॉजिट किया है या वन टाइम पार्सल किया है, पर रिकरिंग जो डिपॉजिट है वो अगर मैं एक बार स्टार्ट किया तो मैं समझ लिए एक साल के लिया, तो मैं एक साल के लिए 12 मंथ एवरी मंथ मेरे को करना ही होगा तभी मेरे को वो बेनिफिट मिलेगा। तो उस हिसाब से ये कंसिस्टेंसी ऑफर में भी क्या है, एक बार अगर हम लोग 100 PV करेंगे या 600 PV करेंगे तो मेरे को 4 महीना करना ही होगा, है मतलब यहाँ भी मेरे को क्या आ जाता है, हम लोग को एक बाइंडिंग्स आ जाता है, बाइंडिंग्स मीन एक गोल आ जाता है, टारगेट आ जाता है, और ये इसलिए बेनिफिशियल है अगर हम लोग का बिजनेस का हिसाब से भी अगर देखे, ये इसलिए बेनिफिशियल है जी, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक हम लोग का टीम मेंबर अगर 100 PV या 60 PV का CNC करेंगे, कंसिस्टेंसी प्रोसेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 4 महीने के लिए मैक्सिमम हम चांस होता है जो 70 80% वो 4 महीना कंटिन्यू करेगा, मतलब 4 महीने के लिए वो बिजनेस हम लोग के लिए क्या हो गया, लगभग फिक्स हो गया। और ये एज ए बिजनेस का हिसाब से भी नहीं है, अगर एज ए कंज्यूमर का हिसाब से भी उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, उनको 4 महीने का अंदर 2000 का प्रोडक्ट अगर 100 PV करें उनको फ्री मिल रहा है, या 1250 का प्रोडक्ट अगर 60 PV करें उनको फ्री मिल रहा है, उनको भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है जहां से अल्टीमेटली वो 50% तक बेनिफिट ले सकता है। तो ये दोनों चीज हम लोग को समझने के लिए बहुत जरूरी है, जे कंसिस्टेंसी ऑफर का रीजन क्या है, कंपनी ने किस लिए दिया है, और ये कैसे हम लोग को, ये क्यों ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
और जितना हम लोग के लिए सीएनसी का यहाँ हम लोग का पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे इतने उतना ही ऑटोमेटिकली हम लोग का बिजनेस भी बढ़े। समझ लिए, फर्स्ट मंथ में एक लीडर का टीम में 10 सीएनसी है, 100 पीपी का सीएनसी। 10 अगर 100 पीपी का सीएनसी होगा या कॉन्सेंट्री ऑफर होगा तो 100 पीपी करके 10 क्या होगा, मतलब 1000 पीपी। ये मैक्सिमम चांसेस 14 तारीख तक आपको 1000 पीपी आ ही जाएगा। मतलब आपका एक मतलब क्या है, एक बिजनेस 14 तारीख तक आपका फिक्स हो गया। जे मेरे को 10 सीएनसी करने वाला है 100 पीपी का, मतलब मेरे को 14 तारीख तक मेरे को 1000 पीपी इन लोगों से आई जाए। बाकी जो खुशा खुशी में ये इसको पकड़ नहीं रहा अभी, वो जो हमेशा 10 ही रहेगा ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कभी किसी कारण से 10 का एक दो मिस भी करे। अगर एवरी मंथ मेरे को हम अगर एक दो कंसिस्टेंसी बढ़ाया जाए तो ऑटोमेटिकली देखेंगे दे नेक्स्ट महीने में और दो नया कंसिस्टेंसी हुआ तो कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट और कंसिस्टेंसी हुआ 14 हो गया। ऐसे जाके शायद साल भर में ऐसा होगा जो मेरा टीम में 30 का जैसा कंसिस्टेंसी एवरी मंथ हो रहा है। मतलब 30 कंसिस्टेंसी 100 पीपी के हुआ, मतलब कितना हुआ, 3000 पीपी ऑटोमेटिकली मेरा 14 का अंदर फिक्स हो गया। मतलब 14 का अंदर है एज ए बोनस भी मेरा टीबी भी टीम बिल्डिंग बोनस कंफर्म हो गया। तो ये जो बिजनेस ये सीएनसी ऑफर का यही फायदा है, जिससे हम लोग एक रेगुलर बिजनेस एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस हम लोग खुद भी बना सकते हैं और टीम में भी उसका जरिए हम लोग एक बड़ा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। तो ये सीएनसी दोनों ऑफर बहुत ही जरूरी है, जिसको हम लोग बहुत ही सीरियसली लेना है। सीएनसी का ही बढ़ाते जाना है और साथों साथ ये कंपनी ने और एक बेनिफिट दिया है, स्पेशल फेस्टिव एनिवर्सरी ऑफर। जो सीएनसी का पीरियड खत्म होने का बाद भी 15 to 27 अगर वहां भी हम लोग परचेस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट इट हम लोग को मिलेगा, पर वो उन लोग को ही मिलेगा जो 100 पीपी ऑलरेडी करता है। और ये क्या होगा, 4 रुपीज पर पीपी उस हिसाब से हम लोग को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कभी ऐसा होता है जे 14 चला गया, अभी तो हम लोग कोई परचेस नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट महीना 2 से 14 का अंदर करेंगे, तो वो ना हो। क्योंकि लोगों का तो जरूरत होता ही है, तो उसको लोग होल्ड ना करे उस हिसाब से कंपनी ने ये बेनिफिट दिया। तो इसको भी हम लोग का समझना बहुत जरूरी है। और साथों साथ ऑलरेडी हम लोग का और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लब है, वो जस्ट ऑफर नहीं है, ये क्लब है जो 300 पीपी क्लब है। ये भी हम लोग के बिजनेस के लिए, हम लोग का एक बड़ा बिजनेस करने के लिए, एक लॉन्ग टर्म हम ग्रोथ के लिए 300 पीपी क्लब भी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे जो 100 पीपी कर रहा है उन लोग को हम लोग को 300 पीपी क्लब में लेके जाना है। ये इसका नेक्स्ट एंड बड़ा वर्जन। क्योंकि जितना 300 क्लब करे और 300 पीपी क्लब तभी कर सकेंगे, जो हम लोग का मेन मकसद कंपनी का यही हो गया जे हम लोग का खुद का एक रिटेल बेस बनाना, खुद का एक कस्टमर बेस बनाना है। और अगर हम लोग का 8 से 10 कस्टमर अगर रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग का सेल्फ आईडी में 300 पीपी इजीली कर सकेंगे और इमीडिएट हम लोग को एक क्या आएगा, इनकम आएगा। तो उसका अपने ऊपर हम लोग का समय समय में कुछ स्पेशल हम लोग का ऑफर्स रहता है। जैसे ये दोनों प्रोडक्ट का ऊपर जो हम लोग का प्री ग्लूको हेल्थ यू कंट्रोल, इन दोनों का ऊपर भी हम लोग का लगभग 50% and 30% डिस्काउंट है। और इस डिस्काउंट का भी समय समय में हम लोग पूरा भरपूर फायदा ले सकते हैं अगर इस प्रोडक्ट का हम लोग का रिक्वायरमेंट है या आगे रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो हम लोग कम दाम में इसका हम लोग परचेस करके रख सकते हैं। उस हिसाब से ये स्पेशल रिपर्चेस ऑफर हम लोग का एशियल प्रोडक्ट में भी है। नेक्स्ट ये कुछ स्पेशल ऑफर रहता है, जैसे प्रोटीन पाउडर का ऊपर है 2 से 18 का अंदर, अगर 11 हजार का प्रोडक्ट लेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। अभी हम लोग को आता है एक कुछ एक बेनिफिट हम लोग समझते हैं, जैसे ये ऑफर का अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग को कैसे बेनिफिट होता है, ये सिंपल सा उससे हम लोग को मालूम होगा। जैसे ये हम लोग का रिकमेंडेड सब मतलब फेस्टिस का, फेस्टिस से हम लोग परचेज करें। जैसे अगर फेस्टिस से हम लोग लेंगे तो हम लोग को यहाँ जो 10 to 20% हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, जो नॉर्मल शॉप से लेने से नहीं मिलता। यहाँ हम लोग को नॉर्मल शॉप में कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलता, पर यहाँ हम लोग को 10% फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। 10% प्रोडक्ट फ्री कहाँ से मिलते हैं, जो अगर हम लोग रिपर्चेज ऑफर हम लोग लेंगे। मैं ये इसलिए प्रेजेंट किया गया है क्योंकि यहाँ हम लोग ऑफर का एडवांटेज हम लोग समझेंगे। थर्ड हो गया, यहाँ क्वालिटी का, नॉर्मल दुकान में क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं है, हम लोग का यहाँ क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट 100% क्वालिटी का गारंटी है। देखिए नॉर्मल अगर बाजार में लेंगे कॉन्शियस रेगुलर प्रोडक्ट लेने से भी कोई बेनिफिट नहीं है, पर फेस्टिस में क्या है,
अगर हम लोग का कॉन्सिस्टेंसी का बेनिफिट लेगा, ये थोड़ी देर पहले जैसे हम लोग डिस्कस किया है, अगर एवरी मंथ 100 पे भी हम लोग करेंगे, मतलब 300 से 350 का प्रोडक्ट लेंगे, तो 4 महीने का और फिफ्थ मंथ में हम लोग को 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, या उस हिसाब से हम लोग को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। उस हिसाब से हम लोग को यहाँ 5 to 6% हम लोग को कैशबैक, मीन हम लोग को स्लेब का हिसाब से कमीशन या बोनस हम लोग का अकाउंट में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये अगर सब हम लोग कैलकुलेशन करें तो हम लोग का जो बेनिफिट आता है लगभग 50% या उससे भी ज्यादा बेनिफिट आता है। मीन्स एज ए कंज्यूमर भी ये हम लोग को आधा दाम में प्रोडक्ट हम लोग को मिल सकता है, या अगर हम सेल करें दूसरों को, अगर रिटेलिंग करें या बिक्री करें, वहां भी हम लोग को 50%, मतलब 10,000 का जगह में हम लोग को 4-5,000 ही बेनिफिट मिल सकता है। इतना ऑफर का पावर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑफर को अगर सही तरह हम लोग समझेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को 50% तक हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑफर क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको सही इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। और साथों साथ यहाँ हम लोग को क्या मिलता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग का प्लान में फर्स्ट इन द इंडस्ट्री है, क्योंकि फेस्टिस का मैनेजमेंट ऐसा विजनरी मैनेजमेंट है, फेस्टिस जो काम करते हैं वो दूसरा कंपनी फॉलो करते हैं। और ये भी जो फीचर है, ये अब तक ऐसा कोई जेनरेशन प्लान या प्रोडक्ट बेस्ड प्लान में ऐसा अब तक नहीं है जो फेस्टिस ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है। और इसको ऑलरेडी ये स्टार्ट हो गया, कल 2 तारीख से अप्रैल एंड मई के लिए ऑफर है। और इस ऑफर को बोला जाता है फोस्टर आईडिया स्पील ऑफ। और इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, सिंपल सा बात है जो। और इस ऑफर क्या है, इस ऑफर है आपका स्पॉन्सरिंग या ज्वाइनिंग का। इस ऑफर क्या है, हम लोग ज्वाइनिंग कराने का ऊपर या स्पॉन्सरिंग कराने के ऊपर। और ये ऑफर पहले हम लोग समझने की कोशिश थी, ये ऑफर देने का कंपनी का मकसद क्या है, रीजन क्या, किस कारण ये ऑफर लाया, इसको अगर समझेंगे तो हम लोग का बिजनेस का भी जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग समझ पाएंगे और हम लोग आगे बढ़। तो कंपनी ने ये इसलिए दिया है जे हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग करें, ज्यादा से ज्यादा नया लोग हम लोग का टीम के साथ जुड़े, क्योंकि हम लोग का बिजनेस में क्या है, स्पॉन्सरिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। क्योंकि नया नया स्पॉन्सरिंग करते रहना होगा, नया नया लोगों को जुटे जाना होगा, नया नया लोगों को, पुराना लोगों को भी एक्टिवेट कराते रहना होगा, पुराना लोगों को रिपर्चेज ऑफर चेंज ऑफर में कंटिन्यू करने होगा, और नया नया लोगों को भी जुड़ के वहाँ उनको भी सिस्टम में लाना होगा, उनको भी धीरे धीरे ऑफर्स में लाना होगा, तभी इनकम लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेगा। क्योंकि अप डाउन रहता है, कोई पुराना आदमी बेच जाएगा या कोई पुराना आदमी डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर नया आदमी आने से वो फिल्म मेकअप हो जाएगा और ऐसे बिजनेस बढ़ेगा। अभी पहले क्या होता था, जो हम लोग डायरेक्ट एक हम लोग का अगर ज्वाइनिंग इन कराएंगे तो क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो अपना डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग ज्वाइन करा सकते हैं, या किसी का हम लोग ऐसा है कि किसी का नीचे भी हम लोग ज्वाइन करा सकते हैं। ये दो तरफ से ज्वाइनिंग होते हैं, तो हम लोग दो हिसाब से, दो तरफ से हम लोग को ज्वाइनिंग करा सकते हैं, एक डायरेक्ट भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं और एक इनडायरेक्ट मीन्स किसी हम लोग का टीम का नीचे, अपना टीम का मेंबर का नीचे भी हम लोग ज्वाइन करा सकते हैं। अभी देखिए डायरेक्ट ऐसे हम लोग का, यहाँ हम लोग का फेस्टिस बिजनेस में हम लोग का कोई लिमिट नहीं है, जितना हिस्सा हम लोग डायरेक्ट ज्वाइन करा सकते, 8, 10, 12, 14, 20, 30, 50 जितना हिस्सा करा सकते। पर अभी का जो हम लोग का नया बिजनेस प्लान आया है, वहाँ एक ऑप्शन भी आया है जो हम लोग को 6 लाइन से 6 लाइन से हम लोग पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। और अभी नॉर्मली हम लोग यही ये एडवाइस करते हैं, जो हम लोग 6 स्ट्रॉन्गलाइन को डेवलप करना चाहिए। अगर 6 स्ट्रॉन्गलाइन डेवलप हुआ, उसका ऊपर भी हम लोग को स्पॉन्सरिंग करना है, नया नया लोगों से मिलना है, उनको समझाना है और हम लोग के साथ जुड़ना है। अभी नया लोग जो आएगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या डायरेक्ट ज्वाइन करा सकते हैं, या जो नीचे नीचे एक्टिव लोग है या जो जिस को हम लोग को आगे बढ़ाना है उसको नीचे हम लोग नीचे। पर अभी कंपनी ने इसको एनकरेज किया है जैसे सिर्फ आप खुद डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं और या आपका दूसरा आपका टीम का नीचे ज्वाइन करने से भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसको स्पील बोलता है। और ये कैसे मिलेगा हम लोग थोड़ा ये समझते हैं, जैसे समझ लीजिए ये, और ये जो होगा हम लोग का जो फेस्टिस का ऐप 2.0, फेस्टिस जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें होगा। और वहां जब आप लोग खुलेंगे, वहां जब खुलेंगे वहां आप लोग को दिखाई देगा, एक हो गया फोस्टर आईडी, फोस्टर मीन्स की जिन्होंने ज्वाइन करवाया, और एक हो गया क्या है जो
रेफरल आईडी या अपलाइन आईडी, जैसे समझ लीजिए मेरा मेरा टीम में दुलमणि मैडम है और दुलमणि मैडम का टीम में अपूर्व सर। अभी मैं मेरा एक प्रोस्पेक्ट है जिसको ऑलरेडी मेरा 6 टीम स्ट्रांग हो गया है। मैं अभी चाहता हूँ जे मैं उस प्रोस्पेक्ट को क्या दूंगा, अपूर्व सर का नीचे मैं ज्वाइन कराऊंगा। पहले भी मैं करवा सकता था, करता था, पर वहाँ अपूर्व सर का नीचे ज्वाइन हुआ उनको बेनिफिट मिलेगा, अल्टीमेटली पॉइंट सबको आएगा, पर उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर अभी क्या होगा, जो वहां देने से कैसा देना होगा, फर्स्ट हो गया जो फोस्टर आईडी, वहां आएगा मेरा आईडी। फोस्टर आईडी में किसका आईडी आएगा, मेरा आईडी, जैसे ज्वाइंट रोल का आईडी वहां आएगा वो फोस्टर आईडी। और सेकेंड, जैसे मैं अपूर्व सर का टीम में दे रहा हूँ तो उसमें जो रेफरल आईडी या अपलाइन आईडी आएगा ये अपूर्व सर का आईडी में आएगा। समझ लिए, अपूर्व सर का आईडी में हेरी मिस्टर एक्स उनका टीम में ज्वाइन करवा दिया, तो उनका ये हो गया स्पिल हो गया। अभी उससे बेनिफिट क्या होगा, उसके इस बेनिफिट लेने के लिए पहले मेरे को तो 100 PV करना, फर्स्ट कंडीशन हो गया। इस बेनिफिट लेने के लिए जो फोस्टर आईडी जो जिन्होंने ये ज्वाइन कराएगा उसको 100 PV करना है एंड सिंगल इन्वॉइस में करना, फर्स्ट कंडीशन। जो उनको 100 PV करना है और क्या करना है, सिंगल इन्वॉइस में करना। सेकेंड हो गया जिसका निशे में ज्वाइन करवाया, जैसे यहाँ अपूर्व सर का निशे ज्वाइन करा, उनको भी ये दोनों महीना, ये 2 महीने का टाइम है अप्रैल एंड मई, ये दोनों महीने में उनको 100 100 PV करना है। और ये 100 PV वन टाइम ना होके मल्टीपल टाइम्स में भी हो सकते हैं, ये 100 PV तोड़ तोड़ कर भी हो सकते हैं, जैसे कभी 30 PV किया, कभी 50 PV किया, कभी 50, ऐसे मिलके भी 100 या उससे ज्यादा हो। और 100 का अगेंस्ट में कितना होगा, 1 पॉइंट, 100 का अगेंस्ट में कितना होगा, 1 पॉइंट है। और ऐसे हम लोग मिनिमम 2 ज्वाइनिंग करना होगा तो भी ये मतलब अप्लाई हो, मिनिमम 2 ज्वाइनिंग होगा। और 1 ज्वाइनिंग से ये मैक्सिमम कितना पॉइंट आएगा, 3 पॉइंट आएगा। मतलब 1 ज्वाइनिंग से 2 महीने में अगर 400 PV भी करे पर उसमें 300 PV काउंट होगा, मतलब 3 पॉइंट ही आए। और ऐसे ये दोनों मिला के दोनों महीने में अगर 6 पॉइंट होता है तो जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो जिसका फोस्टर आईडी है, उनको कितना मिलेगा, 1200 रुपया एक्स्ट्रा बोनस का हिसाब से। उस हिसाब से दोनों महीने मिलके अगर 12 पॉइंट होता है तो उनको कितना होगा, 2500 का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और उस हिसाब से उनको अगर 18 पॉइंट होता है तो उनको 3800 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ हम लोग को ये समझना है, ये हो गया हम लोग का 2 महीना का, अप्रैल एंड मई महीना का। सेकेंड हो गया ये किस लिए दिया गया है, ये हम लोग को टीम में स्पॉन्सरिंग बढ़ाना है, ज्वाइनिंग बढ़ाना है। थर्ड हो गया ये क्या होगा है, इसका बेनिफिट क्या है, ये मैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग ना देके अगर मेरा जरूरत है टीम को बड़ा बनाना है, टीम का नीचे भी ज्वाइनिंग डाल सकता हूँ। वो अलग अलग कोई भी डेप्थ हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी डेप्थ हो वो मतलब नहीं, टीम का नीचे भी ये ज्वाइनिंग करा सकता हूँ। और ज्वाइनिंग करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका भी मेरे को पॉइंट मिलेगा। कंडीशन यह है, जो अगर मेरे को पहले 100 PV सिंगल इन्वेस्टमेंट करना होगा और सेकेंड जिसको ज्वाइन करवाया है उन्होंने 100 PV पूरा महीना में करना होगा, उससे ज्यादा भी कर सकता है पर मिनिमम 100 PV करना होगा, तब मेरे को 1 पॉइंट मिलेगा। और उस हिसाब से पॉइंट का बेसिस में एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा। और बाकी जो बेनिफिट है नॉर्मल, जैसे मैं बोला हूँ अपूर्व सर के नीचे ज्वाइन हुआ उसका जो PV आएगा पूरा महीना, जो PV करेगा आगे भी करेगा, उस हिसाब से वो बेनिफिट नीचे से ऊपर ऊपर तक जाएगा, वो तो सेम है। पर ज्वाइनिंग के अंदर ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये बहुत ही बेहतरीन है, जिससे ये 2 महीने में हम लोग को मैक्सिमम टारगेट लेना है, जो ये 2 महीने कितना ज्यादा हम लोग नया स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। और जो अपना जो टीम है 6 लाइन को कैसे हम लोग नीचे नीचे मजबूत कर सकते हैं, उसका ऊपर हम लोग वो पूरा प्लानिंग इं, 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 करना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी आज थर्ड है, ये 2 दिन चला गया और ये वो जो बाकी बचा है इस 2 महीने में हम लोग को इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना। इसका ऊपर भी काफी लोगों का और रह सकता है, वो जैसे जैसे आप लोग का क्वेरीज है ये ऑटोमेटिकली आज भी डिस्कस करेंगे या आगे भी किसी भी समय आप लोग का रेस्पेक्टिव जो एक्टिव सीनियर है उनका साथ डिस्कस करके आप लोग कर लीजिएगा। तो ये भी बहुत बेहतरीन ऑफर है, ऑलरेडी हम लोग को समझ में आ गया ये ऑफर देने का कंपनी का मकसद क्या है और इसका बेनिफिट हम लोग कैसे ले सकते हैं। और उस हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपना जो यहाँ कंजम्पशन भी बनेंगे, प्रोडक्ट का सेल भी बनेंगे,
प्रोडक्ट का सेल का साथ साथ कॉन्शियसली हम लोग का बिजनेस ग्रो होगा, और साथ साथ क्या होगा, नया स्पॉन्सरिंग जितना बनेंगे, नया ज्वाइनिंग जितना बनेंगे, ऑटोमेटिकली हम लोग का लेवल भी बढ़ते जाएगा और एक के बाद एक इनकम भी आते जाएगा, और उस हिसाब से ऑटोमेटिकली हम लोग का जो निर्वाणा का बड़ा मिशन है उसमें भी हम लोग शामिल हो पाए। तो ये था आज का ऑफर का ऊपर जो थोड़ा डिस्कशन, जो करंट ऑफर क्या चल रहा है और हम लोग का जो स्पेशल ऑफर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ऑफर क्यों हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम लोग का बिजनेस में ऑफर को क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंस देके इसका बेनिफिट हम लोग को ले सकते हैं या लेना चाहिए, उसका ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। थैंक यू।